kids, welcome to your English class and I am your digital teacher Ananya and I am back with a new chapter of your book Literary Journeys by Brainroot Publication. Today children, we are going to start lesson number 3 and the title of the lesson is God in Disguise. यानी भगवान कई बार रूप बदल के हम इंसानों की मदद कर देते हैं. तो आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जहाँ एक गरीब किसान की मदद कुछ लोग करते हैं. आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किसने उस किसान की मदद की. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. थिंक ऑफ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस यू हैव एवर डन टू समवन एल्स शोड काइंडनेस टुवर्ड्स यू. If yes, pen down the incidents and share with your classmates. अगर कभी किसी ने आपके साथ कोई आपके लिए मदद की हो या आपके साथ अच्छा काम किया हो या आपने किसी की मदद की हो, ऐसे किसी इंसिडेंट को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए या फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखिए. Here is a story of a poor man Ramu. ये जो कहानी है ये एक गरीब इंसान जिसका नाम रामू है उसके बारे में है. Who was innocent enough that he was made fool several times? वो इतना भोला भाला था कि लोग उसको कई बार बेवकूफ़ बना देते थे. And at last his innocence and kindness were rewarded. Now let us read the story and try to find out the kindness that became a blessing in disguise for him. आज हम स्टोरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे रामू को और किसने रामू को मदद किया. ओके, आइए रामू की स्टोरी पढ़ते हैं. A poor man called Ramu lived with his wife and two children in a small village. एक छोटे से गांव में रामू रहता था. वो बहुत गरीब था और गांव में वो अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ रहता था. They had a small patch of land to grow vegetables. बेटा, ये जो word है patch, इसका मतलब होता है small piece, छोटा सा टुकड़ा. तो रामू के पास लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो ग्रो करता था वेजिटेबल्स यानी सब्जियां उगाता था. दे ऑल्सो हैड टू बफेलोज. दीज गेव देम मिल्क. दे वर अ हैप्पी फैमिली. उसके पास दो बफेलोज भी थी और इनसे उन्हें दूध मिलता था. ये जो दो भैंस थी ये उन्हें दूध देती थी. रामू और उसका परिवार गरीब क्यों ना हो लेकिन सुखी परिवार था, खुशी खुशी रहते थे. ओके, सो दे वर अ हैप्पी फैमिली. एज द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर रामू एंड हिज वाइफ नीडेड मोर मनी. दे डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ देयर बफेलोज. अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे रामू और रामू की पत्नी को लगा कि पैसों की ज़रूरत है. बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बच्चों की चीज़ें भी लानी है ज़रूरत की, इन सभी के लिए हमें पैसा चाहिए. अब क्योंकि रामू बहुत गरीब था तो फिर उसने क्या सोचा कि ये पैसा कहाँ से अरेंज हो, क्या करे. वो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, हमारे टू बफेलोज हैं, हमारे पास दो भैंस हैं, हम उसमें से एक को सेल कर देते हैं, एक को बेच देते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग रामू सेट ऑफ विद अ बफेलो टू द मार्केट. ऑन द वे ही मेट अ मैन विद अ हॉर्स. अब अगले दिन रामू जो है घर से अपने एक बफेलो को लेके निकला यानी एक भैंस को अपने साथ लिया और उसको लेके वो निकल पड़ा यात्रा करने की कोई मिलेगा जो खरीदना चाहेगा उसको दे देगा. जब वो जा रहा था रास्ते में उसे एक घुड़सवार मिला यानी एक आदमी मिला जो कि घोड़े पर सवार होकर आ रहा था. द मैन वॉन्टेड टू सेल हिज हॉर्स. ही टोल्ड रामू Why should we go so far? I will take your buffalo and you can take my horse. अब वो जो इंसान था जो घोड़े पर था उसने कहा कि मुझे भी अपना घोड़ा बेचना है, हम दोनों इतना दूर क्यों जाएं? तुम्हें अपना buffalo बेचना है और मुझे अपना घोड़ा बेचना है, तो क्यों ना हम एक्सचेंज कर लें, कुछ करें ऐसा कि हम एक्सचेंज कर लें. हाँ, आप मुझे अपना बफेलो दे दो, अपना भैंस मुझे दे दो और मैं अपना घोड़ा यानी हॉर्स आपको दे देता हूँ. रामू हैप्पीली एग्रीड एज ही थॉट अ हॉर्स वुड बी यूजफुल.
बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लेम. अब रामू जो है वो मान गया, उसे बड़ी खुशी हुई. उसने सोचा हाँ बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और घोड़ा मेरे काम में आ जाएगा, एक्सचेंज कर लिया. लेकिन बहुत जल्द रामू को पता चला कि एक्चुअली वो जो घोड़ा था वो लंगड़ा था, वो ठीक से चल ही नहीं पाता था. ही वॉन्डर्ड वॉट टू डू विद द लेम हॉर्स. वो सोचने लगा कि मैं इस लंगड़े घोड़े का क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे. आफ्टर अ वाइल ही मेट अ मैन विद अ काउ एंड टोल्ड हिम वॉट हैड हैपेंड. द मैन सेड आई कैन एक्सचेंज माई काउ फॉर योर हॉर्स. अब कुछ देर बाद उसे एक आदमी मिला जो कि अपनी गाय लेकर जा रहा था. रामू को जब उस आदमी ने परेशान देखा तब उसने बोला एक काम कर सकता हूँ, मैं अपनी गाय तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो. रामू हैप्पीली एग्रीड. सून रामू रियलाइज द काउ वॉज ब्लाइंड इन वन आई एंड ऑल्सो लेम. ही सैट डाउन अंडर द ट्री विद द काउ. अब रामू मान गया, रामू ने एक्सचेंज कर लिया. अब रामू के पास गाय आ गई और उसका घोड़ा जो लंगड़ा था वो चला गया. लेकिन कुछ दूर जाते ही रामू को पता चला कि ओहो ये गाय जो है ये एक आँख से देख नहीं सकती. इट वॉज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई एंड लेम ऑल्सो, मीन्स ये गाय भी लंगड़ा के ही चल रही थी. अब तो रामू बहुत परेशान हो गया, वो थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया. After some time, he met a man with a goat. Ramu told him what had happened. The man offered to exchange the goat for the cow. अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आया जिसके पास एक बकरी थी. रामू ने अपनी सारी कहानी उस आदमी को बताई. अब सारी कहानी सुनने के बाद रामू ने कहा एक काम करो, तुम अपनी गाय मुझे दे दो और मेरी बकरी को तुम रख लो, ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं. रामू एग्रीड बट आफ्टर परचेजिंग द गोट ही फाउंड दैट इट वॉज सिक. ही क्वाइटली एक्सचेंज द गोट फॉर अ हैन. फाइनली रामू ने खरीद ली और बकरी के बाद उसे कुछ दिनों बाद पता चला कि वो जो बकरी है वो हमेशा ही बीमार रहती है. अब रामू परेशान हो गया. कुछ दिनों बाद फिर से उसने किसी के साथ उस बकरी के बदले क्या ले ली, एक मुर्गी ले ली, एक हैन ले लिया. It was evening. Ramu was hungry and tired. He sold the hen for a few rupees and bought some food to it. अब ऐसा करते 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 शाम हो गई. दिन सुबह से वो निकला हुआ था तो finally रामू को लगा कि मैं क्या करूँ इस मुर्गी का. उसने वो मुर्गी को उठा के जो है बेच दिया और जो पैसा मिला उससे उसने खाना खरीद लिया कि मैं कुछ खाना खा लेता हूँ. As he was about to begin eating, the old beggar walked to him. अब जैसे ही रामू खाना खाने के लिए बैठा एक भिखारी आया. बूढ़े भिखारी ने रामू के पास आकर पुकार लगाई. उसने कहा आई हैव नॉट ईटन फॉर मैनी डेज, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, द बेगर प्लीटेड. बड़ी ही करुण पुकार में उस भिखारी ने बोला बेटा मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो. रामू फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम. रामू भोला भाला भी था और दयालु भी था. ही वॉज वेरी काइंड. सो ही गेव हिम ऑल द फूड. ही रिटर्न्ड होम टायर्ड एंड हंग्री. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर ईगरली वेटिंग फॉर हिम. हिज वाइफ सर्व्ड हिम फूड एंड एज ही एट ही टोल्ड देम द एंटायर स्टोरी. अब रामू को उस बूढ़े भिखारी पर तरस आ गया. उसने अपना सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और घर की तरफ लौट गया. जब वो थका हारा घर पहुंचा, उसकी वाइफ ने उसको बिठाया, फिर खाना दिया और फिर खाना खाने के बाद रामू ने अपने बच्चों और बीवी को सारी कहानी बताई कि दिन भर उसके साथ जो जो हुआ. यू हैव डन द राइट थिंग. वन शुड नेवर टर्न अवे अ बेगर व्हेन ही इज़ हंग्री, सेड द काइंड वाइफ. पूरी बात सुनने के बाद रामू की वाइफ ने यानी पत्नी ने भी यही कहा आपने बिल्कुल सही किया, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. वो बूढ़ा भिखारी भूखा था, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसको खाना खिला दिया. एट नाइट रामू एंड हिज फैमिली वेंट टू बेड. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हट ही वॉज अमेज्ड एट व्हाट ही सॉ. अब रामू खाना खाकर पूरे परिवार के साथ रात को लेट गया और वो लोग सो गए. अगली सुबह जब रामू उठा
और दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गया, वो बिल्कुल हैरान। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा खोलने पे उसने देखा उसके आंगन में कई सारे एनिमल्स खड़े हैं। There stood a line of animals, a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat and a big hen. And next them was a bag of gold coin. और उन सब एनिमल्स के पास एक बड़ा सा पोटली था जिसमें सोने के कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। Ramu and his wife wondered who could have done this. Finally, his wife said, I am sure the beggar you have met was God in disguise. He has rewarded us for your kindness. तो काफ़ी सोचने के बाद रामू की पत्नी ने बोला कि मुझे लगता है कि कल जिस भिखारी को आपने खाना दिया था वो भेष बदल के भगवान ही हमारी परीक्षा ले रहे थे, और क्योंकि आपने बहुत ही दया दिखाई है और अच्छे से व्यवहार किया है इसीलिए उन्होंने आपकी दया के बदले हमें ये सब मदद की है, ठीक है ना, हमारी मदद की है। रामू एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड नो फर्दर वरीज, दे लिव्ड हैप्पीली। अब रामू की सारी परेशानियां दूर हो गई, उसके पास एक भैंस भी था, उसके पास एक बकरी भी थी, एक हेन भी थी और एक जो है घोड़ा भी था। अब उनकी फैमिली की सारी चिंताएं दूर हो गईं और वो और उनके बच्चे और पूरा परिवार जो है खुशी खुशी अच्छे से रहने लगा। सो सी चिल्ड्रन, काइंडनेस ऑलवेज पेज। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग भी हमारे साथ अच्छी तरीके से ही व्यवहार करेंगे, इसीलिए किसी भी सिचुएशन में हमें हमेशा अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ दया से पेश आना चाहिए, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए या किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू डू द ग्लॉसरी। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आइए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ करने का मतलब स्टार्ट करना यानी शुरू करना। एग्रीड मीन्स एक्सेप्ट कर लेना यानी मान लेना। लेम मीन्स अनेबल टू वॉक प्रॉपरली यानी लंगड़ा। वंडर्ड मीन्स सोचना, थॉट अबाउट। रियलाइज्ड मीन्स केम टू नो, यानी कि कोई चीज़ पता लगना या किसी बारे में पता चलना। प्लीडेड मीन्स किसी को विनम्रता से निवेदन करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। टर्न अवे मीन्स रिफ्यूज़ यानी मना कर देना। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज हो जाना। डिस्गाइज मीन्स अनदर अपियरेंस टू द रियल आइडेंटिटी, यानी कि फेस बदल कर किसी से मिलना। वरी मीन्स प्रॉब्लम्स एंड रिवॉर्ड्स मीन्स गिफ्ट्स, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस, सो लेट्स डू देम वन बाय वन, इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो लेट्स डू देम। First, Ramu was a poor man who lived with his old parents, uncle and aunt, brothers and sister, wife and two children. तो Ramu wife and दो बच्चों के साथ रहता था, right? Second, Ramu and his wife decided to sell their house, cow, farm, buffalo. उन्होंने अपनी एक buffalo यानी एक भैंस बेचने की सोच ली थी। Third, Ramu sold the hen for few rupees, horse, gold coins, goat. रामू ने कुछ पैसों के लिए उस हेन को बेच दिया और उन पैसों से उसने खाना खरीदा। फोर्थ, रामू गेव ऑल हिज फूड टू बेगर, स्ट्रे एनिमल्स, नेबर, पुअर चाइल्ड, सो भिखारी, बेगर को दे दिया। फिफ्थ, द बेगर वॉज एक्चुअली अ रिच मैन, अ विलेजर, अ कस्टमर, गॉड इन डिस्गाइज। तो जो बेगर था वो एक्चुअली भगवान ही भेष बदल के उसके पास आया था, ओके यानी भगवान ही उसके पास आए थे। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फॉर डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव अ हेल्प बॉक्स, वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स एंड देन डू द फिल इन द ब्लैंक्स, सो लेट्स डू देम वन बाय वन। रामू ग्रू डैश ऑन हिज स्मॉल पैच ऑफ लैंड, रामू अपने लैंड पर क्या उगाता था? वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, सो वी विल राइट वेजिटेबल्स। Second, the goat was beggar, rewarded, sick, kind. So the goat was sick. जो goat था, जो बकरी थी, वो बीमार थी. Okay. Third, Ramu gave his food to a beggar. उसने एक भिखारी को अपना खाना दे दिया जो उससे मांग रहा था. So beggar.
नेक्स्ट फोर्थ, रामूस वाइफ वॉज अ काइंड लेडी, वो भी बहुत दयालु थी रामू की ही तरह, शी वॉज अ काइंड लेडी। एंड फिफ्थ, रामू वॉज डैश फॉर हिज काइंडनेस, रामू वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज काइंडनेस, उसको अपनी दया का फल मिला। राइट, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर सी। वी हैव टू रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड देन वी हैव टू टेल वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। रामू वॉज अ रिच मैन, दिस इज नॉट फॉल्स, ही वॉज अ पुअर मैन। सेकेंड, ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, येस इट इज़ ट्रू। थर्ड वन, रामू वेंट टू मार्केट टू बाय अ न्यू बफेलो, नो रामू डिड नॉट गो टू द मार्केट टू बाय अ न्यू बफेलो, ही वॉन्टेड टू सेल, वो तो बेचना चाहता था, तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ, रामू गेव ऑल हिज फूड टू द बेगर, येस दिस इज ट्रू, उसने अपना सारा खाना बेगर को दे दिया। फिफ्थ, बेगर वॉज एक्चुअली अ रिच मैन, नो बेगर वॉज अ रिच मैन और नॉट वी कैन नॉट से, बट हाँ ही वॉज अ गॉड इन डिस्गाइज, ऐसा ही पता चलता है, सो दिस इज फॉल्स। बेगर तो रिच मैन नहीं था लेकिन भेस बदला हुआ था, स्टोरी से हमें ये पता चलता है, स्टोरी में ये कहीं नहीं लिखा कि बेगर रिच मैन था। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, वी हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। चिल्ड्रन दिस हैज़ टू बी डन बाय योर ओन, ये आप खुद करेंगे पर मैं आपको हेल्प करूँगी कि कैसे करना है। वेयर डिड रामू लिव, हु वर देयर इन हिज फैमिली, रामू लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड रामू गो टू द मार्केट, रामू वेंट टू द मार्केट टू सेल हिज बफेलो। थर्ड, हाउ वॉज रामू चीटेड बाई द फर्स्ट मैन, रामू वॉज चीटेड बाई द फर्स्ट मैन बिकॉज द फर्स्ट मैन एक्सचेंज्ड अ लेम हॉर्स विद हिज बफेलो, ओके। फोर्थ, वट डिड रामू डू विद द हेम हैन, रामू सोल्ड द हैन फॉर फ्यू रुपीज एंड देन ही परचेस्ड फूड विद दोज रुपीज। फिफ्थ, वाई वॉज रामू हंग्री वेन ही रीच्ड होम, रामू when he started eating a beggar came to him and asked for food, Ramu was very kind so he gave his entire food to that beggar and he did not eat anything and that is why he was hungry when he reached home. Sixth, how was Ramu rewarded for his kindness, Ramu was rewarded for his kindness the next day when he opened the door he saw that there was a line of healthy animals standing at his door. There was a healthy buffalo, a horse, a goat, a hen, and along with a bag full of gold coins. All right. So in this way, Ramu was rewarded and they lived happily all together. So children, I am sure you have understood how to do these questions. Ab aap inhe notebook mein kar lijiyega. I hope aapko koi bhi problem nahi hogi. So with this, we are done with today's session. I hope to meet you again in a new video where we would learn another story of something, some moral value or something that is more interesting. So, till then, bye-bye and take care. Have a wonderful day ahead.